हूँ, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो लोग सोशल मीडिया इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमें दिखते हैं जिनका हमें या तो मीनिंग नहीं पता होता, अगर मीनिंग पता होता है तो हमें उन वर्ड्स का यूज़ नहीं पता होता, और कई बार क्या होता है कुछ वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं तो हमें उनकी फुल फॉर्म नहीं पता होती, एंड द गेम एंड्स। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो सभी शॉर्ट फॉर्म्स या कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ जिनकी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँगी, उनका मीनिंग बताऊँगी और उनका यूज़ बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताऊँगी जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं। फर्स्ट वन इज़ FB। FB इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर फेसबुक, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ IG। IG इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर इंस्टाग्राम, विच इज़ माई फेवरेट। नेक्स्ट वन इज़ SC। SC स्टैंड्स फॉर स्नैपचैट, द वन विच इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ फिल्टर्स। एंड वन मोर इज़ TW। TW स्टैंड्स फॉर ट्विटर। नाउ आई एम गोना शेयर सम शॉर्ट फॉर्म्स एंड आई विल टेल यू देयर फुल फॉर्म्स टू यू also with their meaning and their uses. Okay, so the first one is BTW, which means by the way. जैसे हम बात करते हुए बोल देते हैं कि by the way I wanted to know this or that, कुछ भी है ना, so for that we use BTW, by the way. The next one is DYK. DYK stands for do you know or did you know, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम्हें पता था, डू यू नो, DYK। द नेक्स्ट वन इज विच आई यूज द मोस्ट, इट इज ASAP और ASAP, विच मीन्स एज सून एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी, कॉल मी ASAP, कि मुझे जल्दी से जल्दी कॉल करना, एज सून एज पॉसिबल। द नेक्स्ट वन इज OOTD, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। OOTD मीन्स आउटफिट ऑफ द डे, इट मीन्स कि अगर हमने आज कुछ स्पेशल आउटफिट डाला है तो हम उसकी पोस्ट डालेंगे एंड विद दैट वी विल राइट हैशटैग OOTD, आउटफिट ऑफ द डे। नेक्स्ट इज BTS। BTS स्टैंड्स फॉर बिहाइंड द सीन्स। देखो जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो कैमरे के आगे हो रहा होता है, बट जो कैमरे के पीछे हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज बिहाइंड द सीन्स, विच इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड द कैमरा, दैट इज BTS, बिहाइंड द सीन्स। द नेक्स्ट वन इज BFF। BFF स्टैंड्स फॉर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, दैट्स वेरी कॉमनली यूज वर्ड आई गेस। The next short form is BC. BC stands for because. The next one is AMA. AMA stands for ask me anything, कि मुझसे कुछ भी पूछ लो, that is ask me anything. The next one is F2F. F2F stands for face to face, मतलब आमने सामने, that is F2F, face to face. The next short form is FYI. It means for your information, for your information, आपकी जानकारी के लिए। The next one is LOL, which means laughing out loud, मतलब जोर जोर से हंसना। The next one is, जिसकी full form मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे, because this is very commonly used, बहुत 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 ज़्यादा use होने वाला, this is HBD. Tell me in the comments down below what's the full form of HBD, because it's very simple. Next is IDC. IDC stands for I don't care. I don't care. IDC. The next one is IDK. I don't know. IDK means I don't know. I think the lightning is so low right now on this side. आप ठीक है? सो द नेक्स्ट वन इज ROFL. ROFL स्टैंड्स फॉर रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, मतलब ज़मीन पे लेट लेट के हंसना बहुत जोर जोर के, ROFL, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। द नेक्स्ट वन इज JK, विच मीन्स जस्ट kidding, मतलब जब हम कोई बात मजाक में बोलते हैं तो हम बोल देते हैं जस्ट kidding. द नेक्स्ट वन इज DM. DM मीन्स डायरेक्ट मैसेज,
जब हम किसी को पर्सनली टेक्स्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मैसेज और DM. द नेक्स्ट इज OMG, विच मीन्स ओ माई गॉड, हे भगवान, वी से दैट इन हिंदी. द नेक्स्ट इज PLS, विच मीन्स प्लीज, प्लीज, PLS. द नेक्स्ट वन इज TY, TY मीन्स थैंक यू, TY, ओके. द नेक्स्ट वन इज TTYL, विच आई यूज़ द मोस्ट, इट स्टैंड्स फॉर टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं, ओके, TTYL, टॉक टू यू लेटर. द नेक्स्ट वन इज WFH, विच मीन्स वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना, मतलब ऑनलाइन काम करना, मोस्टली ऑनलाइन वर्क के लिए यूज़ होता है WFH, वर्क फ्रॉम होम. द नेक्स्ट वन इज YSK, विच मीन्स यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए, यू शुड नो, YSK. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज YW, यू आर वेलकम, YW, यू आर वेलकम. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड टू वॉच मोर ऑफ सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. Meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye. I'm eating ice cream. अगर आपको खानी है तो आ जाइए. मैं और कुछ नहीं खाएंगे. Okay, bye. हम खा लेते हैं.